तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक्सकेवेशन करते हैं, तो एक्सकेवेशन जो होता है तो वो दो टाइप का होता है, एक तो पीट एक्सकेवेशन और दूसरा ब्लॉक एक्सकेवेशन। अभी ये जो एक्सकेवेशन हम करते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है तो वो हमें निकालनी पड़ती है। तो मान लीजिए आपको जगह पे निकालनी पड़े, या फिर आपको जो ऐसे ड्राइंग दिया होता है, जो डिटेल दिया होता है, तो उसमें से निकालनी पड़ती है। तो ये कैसे निकालते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना और लास्ट तक एकदम ठीक से देखना, तो ही ये समझ में आएगा आसानी एकदम। तो ये है पीट एक्सकेवेशन। अब ये पीट एक्सकेवेशन में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा जो बेसमेंट होता है, मतलब वो जो प्लॉट होता है, तो उसमें जिधर अपनी बिल्डिंग जो है वो आने वाली होती है, उसके जो फुटिंग होते हैं तो वो जिधर जिधर आने वाले होते हैं, तो उस उधर से वो पूरा प्लॉट जो है वो पूरा खोदा जाता है। और ये जो ब्लॉक एक्सकेवेशन है, तो ब्लॉक एक्सकेवेशन में क्या करेंगे कि ये जिधर जिधर वो फुटिंग आने वाली है तो खाली उस जगह को ये खोदेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने इधर एक ड्राइंग बनाई है, तो ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ और ये हाइट है। तो हमें इधर तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। और ये सब हम इस वीडियो में मीटर में लेंगे, मतलब मीटर में इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ये सब मीटर क्यूब में निकालते हैं। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं तो आप जो है वो यूनिट कन्वर्जन की जो वीडियो है तो वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद ये नीचे जो है, तो ये हमने ऊपर से देखने पे ये कैसा लगेगा और साइड से देखने पे ये कैसा दिखेगा, इसके लिए ये बनाया। और ये 1500 यानी 1500 mm में लिखा है, जो mm का होता है ना आप मेजरमेंट टेप पे, तो 1500 mm यानी 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर। और 1300 mm यानी 1.3 मीटर। वैसे इधर हमने हाइट जो है वो 1500 ही रखी है, यानी 1.5 मीटर रखी है। अभी हम लोगों को पता नहीं कि जो हाइट है तो हाइट उधर कितनी आएगी, तो इसीलिए हम जो है ये 1.5 मीटर लिए हैं। तो अभी ये बात क्लियर हो चुकी हो तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, तो ये ड्राइंग होता है ऐसे, तो इसमें जो है वो डिटेल दी होती है, जैसे कि यहाँ पे फुटिंग का टाइप कौन सा है, यहाँ पे कॉलम का मार्किंग, मतलब जो नाम है कॉलम का, जो नंबर है वो दिया होता है, जैसे कि C1, C2 ऐसा। और उसके ऊपर जो है वो PCC की साइज़ दी होती है। PCC की साइज़ यानी हमारी जो एक्सकेवेशन की साइज़ है वही PCC की साइज़ है इधर। तो इधर हमें ये डायमेंशन दिया होता है, जो 1500 बाय 1300, तो ये C1 फुटिंग या फिर कॉलम का जो एक्सकेवेशन का साइज़ होगा हमारा, वो 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर और 1.3 मीटर। तो इस हिसाब से हमें जो है वो सब लिखना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर मैं जो है वो डिटेल वीडियो लाऊंगा, जो ड्राइंग्स है हमारी, तो उसके ऊपर। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी इसकी जो क्वांटिटी है वो निकालेंगे। ये जो पूरे कॉलम जो है 14 कॉलम, तो इन सब की जो है एक्सकेवेशन की क्वांटिटी हम इसमें निकालेंगे अभी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो है ये मेज़रमेंट फॉर्म होता है ऐसा। तो जो ओरिजिनल वाला मेज़रमेंट फॉर्म है, तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो है ये हमने नोटबुक में ऐसे स्केल से लाइन मार के फिर ऐसे निकाला है, क्योंकि सबके पास तो मेज़रमेंट फॉर्म होगा नहीं, तो अगर आपको ऐसे निकालना होगा तो आप ऐसा निकाल सकते। तो इसमें जो है ये नंबर होता है, उसके बाद इधर पर्टिकुलर्स यानी हमें किस चीज़ का डिटेल्स इधर लिखना है वो, और इधर नंबर यानी आपको पता चल जाएगा आगे, और इधर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो और इधर जो है वो क्वांटिटी मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हमने एक नंबर डाला, उसके बाद C1। अभी C1 जो है खाली इधर एक ही लिखा है, क्योंकि इधर जो है तो C1 का जो हमारा एक्सकेवेशन का जो PCC का साइज़ है, तो वो है 1500 बाय 1300, यानी 1.5 मीटर बाय 1.3 मीटर। तो इसके जैसा
और कोई दूसरा एक्सकेवेशन का साइज जो है तो इसमें नहीं है। मैं इसकी जो पीडीएफ है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे दूंगा, तो आप उधर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो। तो ऐसा करके हमने क्या किया कि सभी जो एक एक साइज़ के जो पीसीसी साइज़ के जो है कॉलम या फिर जो फुटिंग, तो हमने इधर ये लिख लिया, जैसे कि C1, C2 ये अलग अलग साइज़ के हैं, उसके बाद ये C3 और C12 ये एक ही साइज़ के हैं, और ये C4, C6 और C8 ये जो है ये भी एक ही साइज़ के, ऐसा हमने सब सॉर्ट कर लिया। उसके बाद जो है इधर एक लिखा, एक क्यों लिखा, क्योंकि एक ही है। उसके बाद इधर दो लिखा, क्योंकि इधर दो फुटिंग एक ही साइज़ के, मतलब जो पीसीसी का साइज़ है वो दोनों का एक ही है, इसीलिए इधर दो लिखा। उसके बाद इधर तीन है, इसीलिए इधर तीन लिखा। इधर दो है, इसीलिए दो। और नीचे सब जो है वो एक एक है, इसीलिए उधर एक लिखा। इसके बाद लेंथ में जो है हम सभी जो नाप है वो हम मीटर में लेंगे। हमें जो है ड्राइंग में इधर एमएम में दिए होते हैं, तो फिर इधर हम जो है वो मीटर में लेंगे। तो आपको जो मीटर में कन्वर्ट करना होगा एमएम का, तो आप क्या करेंगे, जो हमें एमएम में दिया है तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से जो हम डिवाइड करेंगे तो हमको ये मीटर में मिलेगा, ये जो नाप है ये मीटर में मिलेगा। तो 1500 का होता है 1.5। अभी इधर जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो मतलब 1500 बाय 1300, तो 1500 बाय 1300 लेंथ जो है वो 1500 का कन्वर्ट करके फिर 1.5 मीटर। उसके बाद जो ब्रेथ है तो वो है 1.3। 1300 का जो है कन्वर्ट किया, उसके बाद 1.3। अभी जो हाइट है तो हाइट हमने सभी की 1.5 मीटर रखी है। अब आप पे डिपेंड है आगे कि आपको कितनी लेनी है, मतलब अगर आपको साइट पे मालूम होगा कितनी है तो फिर आप इजीली इधर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये हमने 1.5 मीटर रखा है इधर। तो अब हम क्या करेंगे, इनका जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणाकार करेंगे इन सब का। तो ये जो है ये एक कॉलम 1.5 मीटर बाय 1.3 मीटर बाय 1.5 मीटर, तो इनका जब हम गुणाकार करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इधर। तो ऐसा ही करते हम दो नंबर का जो फुटिंग है तो उसका भी हम ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनका और फिर इसका आगे वैल्यू जो आएगा वो लिख देंगे। तो इधर आया है 2.925। तो ऐसा ही सबका जो है हमने निकाल लिया है। तो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो है अभी इधर 3 आया है, तो 3 × 2.1 × 1.9 × 1.5, तो इनका जब हम गुणाकार करेंगे तो हमारा आंसर जो है ये आएगा। अभी ये है 17.955। ये सब हमारा जो आएगा ये मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हमने जो नाप लिए है वो मीटर में लिए है, और ये मीटर मीटर और ये मीटर। अभी ये वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं, इसीलिए ये मीटर क्यूब में आता है। जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आता है, जैसे कि प्लास्टर वगैरह जो होता है हमारा वो मीटर स्क्वायर में आता है। अभी अभी हम यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम मीटर में जो मीटर क्यूब है तो उसमें ये निकालते हैं। अभी ये सब कॉलम का जो है वो लिख लेने के बाद हम इसकी जो है ये एडिशन करेंगे। एडिशन करके फिर जो अब हमारा आंसर आएगा, तो यहाँ पे आया है 65.97 मीटर क्यूब। अभी हमारा ये मीटर क्यूब में आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी इसे साइड में रखते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो C1 1500 और 1300, C2 जो है हमारा 1700 और 1500 का है। उसके बाद जो C3 है तो C3 और C12, C3 जो है 1600 बाय 1100। अभी 1600 और 1100 जो है वो खाली हमारा C12 यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलेगा। तो ये दो कॉलम जो है, ये जो दो फुटिंग है हमने एक जगह पे लिख रही है, तो ऐसा करके हमने इसमें लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरी जो हिंदी है वो थोड़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी लेकिन मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो मुझे,